चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 रुपीज़ 15 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.50. एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.50 क्या मतलब हुआ कि जो शेयर की वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू थी, उसकी कम हो गई 1.50 रुपये. एट अ डिस्काउंट क्या मतलब लॉस हो गया कंपनी को, तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें सेम निकालना है कि कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए. तो यहाँ पे भी क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 250. मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एट रुपीज 15 एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 1.50. मार्केट वैल्यू क्या हुई, रुपीज 15 माइनस रुपीज 1.50, तो ये हो गया रुपीज, माइनस करेंगे तो 13.50. अब द अमाउंट इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर. पता है नंबर ऑफ शेयर हमारे 250 है, मार्केट वैल्यू है 13.50. इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 3,375 रुपीस चाहिए खरीदने के लिए. ठीक है, आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है.